जो कि प्रभात एग्जाम का ही एक चैनल है और जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं जेपीएससी से रिलेटेड स्टफ को लेकर, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षाओं से रिलेटेड आपका सिलेबस हो या स्टडी मटेरियल हो या जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं जेपीएससी की परीक्षाओं से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ इस चैनल पर हम उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ आपका मोटिवेशन करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हम अलग अलग लोगों की जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षाओं में सफलता पाई है उनकी सक्सेस स्टोरीज भी लेकर आते हैं। तो आज भी मैं आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी को लेकर आई हूँ जो की है गुमला जिले में सरकारी बाबुओं का वाहन चलाने वाले कृष्णा लोहरा के बेटे की, जिसने जेपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक ड्राइवर के बेटे ने अपने पिता का और साथ ही साथ झारखंड का भी नाम रोशन। तो ये कहानी है जगन्नाथ लोहरा की। गुमला के करम टोली के रहने वाले जगन्नाथ लोहरा ने जेपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करके साबित कर दिया कि कम संसाधन होने के बावजूद भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए और आप में इतना जोश होना चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए, आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप अपनी जिद को, अपने सपने को पूरा करने में जुट जाएं। और जगन्नाथ लोहरा जी ने भी यही किया। जगन्नाथ लोहरा के पिता कृष्णा लोहरा डीसी के ड्राइवर हैं। उनका सपना काफी समय पहले से यही था कि उनका बेटा भी ऑफिसर बने और आखिरकार जब उनके बेटे ने उनका सपना पूरा किया तो वो फूले नहीं समा रहे थे। इससे पहले भी जेपीएससी में एक बार मुख्य परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी लेकिन उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। अपने बेटे का जेपीएससी में चयन होने पर माँ बाप की खुशी का तो कहीं ठिकाना ही नहीं था। उनका ये कहना है कि उनको वो सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी या सपना देखा था। जगन्नाथ लोहरा की माँ शांति देवी, उनको अगर हम बात करें या उनके बारे में कहें तो वह एक अनपढ़ महिला है लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कभी भी उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। शांति देवी ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के कारण उन लोगों ने अपने तमाम जीवन में अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। उन्होंने पीछे छोड़ दिया कि वो खुद क्या चाहते हैं या उनकी क्या ख्वाहिशें हैं। बस उनका एक ही सपना रह गया कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करने देना। जगन्नाथ लोहरा के पिता कृष्णा लोहरा की बात माने तो वो ये कहते हैं कि उनके जीवन की पूरी इच्छा सिर्फ इसी बात को लेकर थी कि उनका बेटा भी ऑफिसर बने, क्योंकि जब वो डीसी की गाड़ी चलाते थे तो वो बस यही देखते थे कि काश मेरा बेटा भी इस पद पर पहुंचे कि उसे किसी की ड्राइवरी ना करनी पड़े। और देखिए, ईश्वर ने उनका सपना पूरा कर दिया और सिर्फ ईश्वर ने ही नहीं, उनके बेटे ने अपनी पूरी मेहनत से उनका सपना पूरा कर दिया। सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि जगन्नाथ की सफलता पर उनकी पत्नी अनुराधा कश्यप भी बेहद खुश हैं। वे कहती हैं कि जब वे शादी के बाद यहाँ आई थी तो उन्होंने देखा कि उनका पति का सिविल सर्विसेज के प्रति काफी रुझान है, तो इसलिए उन्होंने भी उनकी पूरी तरह से मदद की कि वो अपनी तैयारी करें। वो उन्हें कभी भी बीच में बाधित नहीं करती थी कोई भी काम करने से। वो हमेशा यही चाहती थी कि वो अपनी इच्छाओं को, वो हमेशा यही चाहती थी कि वो सफलता पाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी मार कर रखा। वहीं पर जगन्नाथ के चाचा दिलीप लोहरा का कहना है, जो कि समाहरणालय में एक क्लर्क हैं, कि उनके पूरे परिवार का सपना था कि परिवार में कोई तो एक अफसर बने और आखिर उनके भतीजे ने वो सपना पूरा करके दिखाया। उनके चाचा कहते हैं कि भतीजे की सफलता पर जितने वो खुश हैं
उतने खुश शायद ही जिंदगी में वो पहले कभी हुए हों। तो ऐसी है जगन्नाथ लोहरा की कहानी, जिन्होंने अपने माता पिता का सपना, अपने परिवार का सपना, अपनी पत्नी का सपना, हर किसी का सपना पूरा किया और अपने आप को साबित किया एक अफसर बन के। उनके पिता के सपने को पूरा किया एक अफसर बन के। और ये कैसे हुआ दोस्तों? ये हुआ सच्ची लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय से, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें तो अफसर ही बनना है। तो बस उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और जेपीएससी की परीक्षा भी क्रॉस कर ली। अब आगे वो तैयारियां कर रहे हैं अगले कदम के लिए, तो उसमें भी निश्चित ही वो सफलता पाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो चलिए फिर वापस मिलती हूं मैं आपसे ऐसे ही और सक्सेस स्टोरीज को या किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक आप प्लीज ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे नोटिफिकेशन से और आपको जानकारियां मिलती रहे। और भी कुछ जानना हो तो मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि प्लीज नीचे कमेंट एरिया में आप लिख लीजिए ताकि हम उस विषय में भी आपके लिए जानकारी हासिल कर सकें और आपको बता सकें, आपका मार्गदर्शन अच्छे से होता रहे। बस हम यही चाहते हैं, यही हमारे इस चैनल का ध्येय है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे यहीं पर, तब तक अपने